तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? गाइज, आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि 20,000 रुपीज़ से कम के बजट में बेस्ट कैमरा फ़ोन बता दो। अब बुरी न्यूज़ ये है कि कोई एक परफेक्ट कैमरा फ़ोन इस बजट में नहीं है, तो मैंने 3 फोन्स पिक करे हैं। सबकी ना प्रायोरिटीज़ अलग होती है, हर कंज्यूमर अलग तरीके से पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, कुछ लोग वीडियो ज़्यादा कैप्चर करते हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इस प्राइस सेगमेंट में आज 3 फोन्स आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, और आप अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा। बिकॉज तीनों ही फोन्स परफेक्ट नहीं हैं और कंटेंट बिल्कुल अनबायस्ड होगा, तो तीनों फोन्स में जो कमियां होंगी कैमरा में वो भी मैं आपको क्लियरली साफ साफ मेंशन कर दूंगा। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सबकी हेल्प हो जाएगी। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को आप सपोर्ट कर सकते हो। गाइस, फर्स्ट फोन मैंने पिक करा है सैमसंग F62। अब इस फोन का प्राइस 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, बट नॉर्मली फ्लिपकार्ट की सेल में आपको ये फोन ईजिली 18,000 रुपीज़ का मिल जाता है। इस फोन को पिक करने का मेन रीज़न ये है कि इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। मेगापिक्सल्स में मत जाओ, जो फ्रंट कैमरा है वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज इमेज क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। स्किन टोन सेल्फीज में नेचुरल देखने को मिलती है और पिक्चर्स में डिटेल्स भी इनफ होती हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि बैकग्राउंड में आप नोटिस करोगे तो डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लेता है इस फोन का कैमरा, जो नॉर्मली इस प्राइस सेगमेंट के फोन्स कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और फ्रंट कैमरा से जब आप फुल एचडी वीडियोज़ रिकॉर्ड करोगे तो वीडियो स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा में भी दी गई है। रियर कैमरा से आप काफ़ी अच्छे मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ होती हैं। थोड़ी सी आपको कूल टोन देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज आपको बिल्कुल भी येलोइश टिंट देखने को नहीं मिलता पिक्चर्स में। और कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत थोड़ा सा बूस्टेड है, बट इस तरीके के कलर्स मुझे पर्सनली आई प्लीजिंग लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लेता है कैमरा, डार्क एरियाज में आप नोटिस कर सकते हो जो शेडोज़ हैं वो वेल एक्सपोज्ड हैं। ओवरऑल इमेज में डिटेल्स भी इनफ है, स्पेशली स्काई के कलर्स आप देखोगे तो कलर्स को कितने अच्छे से मेंटेन कर लेता है इस फोन का कैमरा। और अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करना पसंद है तब भी आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, डिसेंट पोर्ट्रेट शॉट्स आप इस फोन के कैमरे से कैप्चर कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स भी इनफ होती है और बैकग्राउंड ब्लर भी मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल देखने को मिलता है, और एज डिटेक्शन भी ठीक है, ज़्यादा स्मज डिजिस देखने को नहीं मिलती हैं। कैमरा स्ट्रगल करता है लो लाइट में, बिकॉज लो लाइट में अगर आपको ज़्यादा पिक्चर्स कैप्चर करनी है तब मैं आपको ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा। पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड आती हैं नाइट मोड एनेबल करके, आप अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इमेज को थोड़ा सा भी जूम करोगे तो आप नोटिस करोगे पिक्चर्स में बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं होती हैं और इमेज में नॉइस भी होती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सैमसंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप रियर कैमरा से वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है जब आप फुल एचडी वीडियोज़ रिकॉर्ड करोगे। प्रॉब्लम यह है कि वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं है, जिटरीनेस देखने को मिलती है वीडियो में, आप नोटिस भी कर सकते हो इस सैम्पल में। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में एक ऐसा फोन देख रहे थे जिसका फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हो, फ्रंट कैमरा से आपको चाहे वीडियोस रिकॉर्ड करनी हो या डे लाइट में सेल्फीज कैप्चर करनी हो, तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। इवन रियर कैमरा भी डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बट लेट से अगर आपको वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करना पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Moto G60। फ्रंट कैमरा की पहले बात कर लेते हैं, तो 32 मेगापिक्सल का ही सेंसर है इस फोन में, और फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो उस टाइम पे वीडियो स्टेबलाइजेशन वर्क करती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। और वीडियो स्टेबलाइजेशन ठीक है, थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, लेकिन फ्रंट कैमरा वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम और सेल्फीज कैप्चर करते टाइम एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता है, चाहे सामने से डायरेक्ट सनलाइट क्यों ना आ रही हो। इवन बेस्ट पार्ट ये है कि स्किन टोन्स भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिलती है सेल्फीज में, और ओवरऑल इमेज में डिटेल्स भी इनफ होती हैं। अब रियर कैमरा Moto G60 में 108 मेगापिक्सल का है, सैमसंग HM2 सेंसर है, अगेन डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, मैक्रो शॉट्स काफ़ी शार्प आते हैं और डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लेता है। आप HDR मोड इनेबल करके एक्चुअली में काफ़ी अच्छे शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, कोई येलोइश टिंट देखने को नहीं मिलेगा आपको, कूल टोन थोड़ी सी देखने को मिलती है, और डार्क एरियाज में भी आप नोटिस करोगे हाईलाइट्स को ये प्रॉपरली मेंटेन करता है, तो डिसेंट डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेता है इस फोन का कैमरा। सबसे बेस्ट पार्ट है कि पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करते टाइम आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, पिक्चर्स काफ़ी शार्प आती हैं, स्किन टोन्स बिल्कुल नेचुरल है, बैकग्राउंड ब्लर भी नेचुरल है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा तो सैमसंग F62 का भी डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो मैंने क्यों इस फोन को पिक करा? गाइज, अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है वीडियोस रिकॉर्ड करना, इसीलिए मैंने इस फोन को पिक करा है, बिकॉज बजट प्राइस सेगमेंट में ना बहुत ही कम ऐसे फोन है जिससे आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड जब करते हो रियर कैमरा से तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क करती हो। इसमें ES दी गई है और वीडियो स्टेबलाइजेशन एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है, एज सच आपको जिटरीनेस देखने को नहीं मिलेगी, वीडियो में डिटेल्स भी इनफ होती हैं। तो अगर आपको रियर कैमरा से फ्रंट कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो आई गेस ये एक परफेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज वीडियो स्टेबलाइजेशन भी है और काफ़ी अच्छी डिटेल्स आती हैं वीडियोस में, और कैमरा डेलाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे लो लाइट में पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करनी पसंद है,
तो सेम सैमसंग F62 की ही तरह मैं आपको मोटो G60 भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज लो लाइट में वीडियो क्वालिटी और इमेज क्वालिटी मोटो G60 की एक्चुअली में अच्छी नहीं है। तो अब अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे लो लाइट में काफी सारी पिक्चर्स कैप्चर करना पसंद है, तो गाइज आप कंसिडर कर सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स को। रियर साइड में सेम प्राइमरी सेंसर है 108 मेगापिक्सल का सैमसंग HM2 जो मोटो G60 में भी है, लेकिन शाओमी ने इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग पे काफी ध्यान दिया है जिसकी वजह से लो लाइट में इस फोन का कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है। नाइट मोड एनेबल करके आप काफी शार्प पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो और पिक्चर्स वेल एक्सपोज आती हैं। इवन इमेज को जूम करोगे तो आप नोटिस करोगे पिक्चर्स में ऐसा ज्यादा नॉइस भी नहीं है और इमेज में डिटेल्स भी इनफ होती है। इनफैक्ट इस फोन का कैमरा लाइट्स को भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि आप इस सैम्पल शॉट में देख ही सकते हो पिक्चर ओवर एक्सपोज नहीं हो रही है, बेसिकली जो लाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज नहीं हो रही हैं, तो लो लाइट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है इस फोन का कैमरा। और डे लाइट में भी रियर कैमरा से आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, फिर चाहे आपको पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने हो या फिर मैक्रो शॉट्स, पिक्चर्स काफी शार्प आती हैं। प्रॉब्लम ये है कि कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बूस्टेड है और कुछ लोगों को इस तरीके के कलर शायद ना पसंद आए, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है, लेकिन डायनामिक रेंज काफी अच्छी कैप्चर कर लेता है इस फोन का कैमरा। मतलब आपको येलोइश टिंट देखने को नहीं मिलेगा, कूल टोन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल आप देख सकते हो स्काई के कलर्स देखने में काफी आई प्लीजिंग लगते हैं और डार्क एरियाज भी वेल एक्सपोज्ड हैं, तो डायनामिक रेंज भी अच्छी कैप्चर कर लेता है। और पोर्ट्रेट शॉट्स में मतलब ये एक ऐसा फोन है जिसका कैमरा मतलब एजेस भी बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है, बैकग्राउंड ब्लर भी नेचुरल है। प्रॉब्लम आती है फ्रंट कैमरा में, रियर कैमरा काफी अच्छा है अगर आप ज्यादा सेल्फीज कैप्चर नहीं करते तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको फ्रंट कैमरा से मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करनी है या सेल्फीज कैप्चर करनी है तो प्रॉब्लम ये है कि स्किन टोन्स देखने में बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर वाइटनिंग देखने को मिलती है, फिर चाहे आप सेल्फीज कैप्चर कर रहे हो या फ्रंट कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो। अच्छा, फ्रंट कैमरा से अगर फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है, आप स्टेबल वीडियोस तो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन सच कहूं तो मेरे को फ्रंट कैमरा इस फोन का ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है बिकॉज स्किन टोन्स की प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन रियर कैमरा मैं आपको बता चुका हूँ काफी अच्छा है। तो गाइज ये थे तीन फोन्स जो मैंने इस प्राइस सेगमेंट में पिक करे। अब आप अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको जिस भी तरीके की फोटोग्राफी करना पसंद है तो आप कौन सा फोन कंसिडर करोगे, ये नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता, कैमरा में कहीं ना कहीं फ्लॉ तो तीनों ही फोन्स में है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस थे इस प्राइस सेगमेंट में वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इसी तरीके की वीडियो 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में या फिर 40,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, आपका फीडबैक देख के ही मैं कंटेंट आगे अपलोड करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।